ताज्या बातम्यांसाठी आणि नवनवीन अपडेट्ससाठी द व्हॉइसला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे आजपासून विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांचं नागपुरामध्ये आगमन झालेलं आहे. नागपूर शहरातील हॉटेल सेंटर पॉइंट येथे शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे. विविध विषयांवर त्यांनी चर्चा केलेली आहे. दरम्यान हॉटेल सेंटर पॉइंट येथे त्यांनी पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा केलेली आहे. तसेच त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे. पाहूया. कांग्रेस के अध्यक्ष सिंह के सभी पदाधिकारी भाइयों बहनों से उज्जैन के क्षेत्र में काम करने वाले अवसर साथी मंच पर बैठे हुए मेरे साथी प्रफुल्ल सचिन यहाँ के हमारे संगठन के प्रमुख श्री प्रीति जी भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आप लोगों के साथ आपकी जो कोई समस्या है वो सुनने का मुझे मौका मिला. मुझे याद है जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री था तब सिविल लाइन में शायद आपका डॉक्टर होगा सिविल लाइन में, पर वहाँ आपके दफ्तर में नामदेव चंद्रम कांग्रेस के साथियों के साथ कोई बातचीत करने के लिए उनकी समस्या जानने के लिए यहाँ और कुछ करने की आवश्यकता है वो भी समझने के लिए हम लोग बैठे बातें की. आज पूरे देश में देश के अर्थव्यवस्था मजबूत करनी हो तो दो तीन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी. जब इस देश को आज़ादी मिली तब हिंदुस्तान के 80% लोग खेती के क्षेत्र में थे. आज 56% लोग खेती करते हैं. खेती उद्योग व्यापार ये तीन सेक्टर